जय माता दी दोस्तों, और आप लोगों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और आज है पहला नवरात्रा, तो बिल्कुल सुबह सुबह से मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट किया है। और कल थी अमावस्या, और अमावस्या की सुबह पूजा वगैरह कर ली थी, लेकिन साफ सफाई मैं मंदिर की नहीं कर पाई थी। वैसे कभी कभी मैं लेट नाइट तक मंदिर की साफ सफाई कर लेती हूँ, लेकिन शाम की जोत बत्ती करके फिर मार्केट चली गई थी, तो फिर उसके बाद मुझे काफी थकान हो गई। नवरात्रि के लिए मंदिर को जो डेकोरेट करने का था वो काम पेंडिंग रह गया, तो कोई बात नहीं, नवरात्रि की सुबह सुबह मैंने सारे काम से होकर किचन में जो होते हैं सुबह ब्रेकफास्ट बनाना, और उसके बाद से मैंने मंदिर की सफाई करनी शुरू कर दी। और वैसे काफ़ी लोगों में मतलब अमावस्या तक मंदिर की साफ सफाई का काम नहीं होता है, नवरात्रि के पहले दिन ही करते हैं, तो सब लोगों के अपने अपने विचार होते हैं इस बारे में, तो कोई बात नहीं, जब जो काम हो जाए तभी अच्छा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो क्लिप्स में आपने देखा होगा, इस वाली टेबल पर ही मैं अपना मंदिर पूरा सजाती हूँ, तो ये वाला जो रूम है पूरा मंदिर के लिए ही है। और थोड़ा सा इसका जो साइड वाला पार्ट है एज अ स्टोर भी यूज़ होता है, काफ़ी सारा सामान यहाँ पर मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो येलो कलर का कपड़ा पहले मैंने बिछाया हुआ था वो सब हटा दिया था, पूरे मंदिर के मैंने मंदिर वाले रूम के जाले वगैरह साफ़ कर लिए थे। उसके बाद मेरे पास ये एक साड़ी पड़ी हुई है जिसको मैं मंदिर में ही यूज़ करती हूँ, और यहाँ पर एक ब्रोकेट का कपड़ा है येलो कलर का, वो मैंने इसके ऊपर बिछा दिया है। सारे भगवान जी को मैंने जिनको स्नान कराना था उनको स्नान करा दिया है, और जो मूर्तियाँ मिट्टी की थी और फिर या फिर जिनको कपड़े से पहुँचना था उनको सबको मैंने पहुँच कर, और जो यहाँ पर जितने भी आसन हैं उनको भी वॉश करने के लिए रख दिया था सुबह सुबह ही, और फिर उनको धूप में सुखा दिया था। और अभी यहाँ पर 9:30 बज रहे हैं और इतनी तेज़ धूप हो रही है, गर्मियाँ इस बार जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पूरा सितंबर भी फिनिश हो गया, अक्टूबर आ गया है और अभी भी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि आप एसी के बिना और पंखों के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, और जब लाइट चली जाती है तो बिल्कुल भी कमरों में बैठना मुश्किल हो जाता है। शाम के टाइम थोड़ा सा वेदर अच्छा हो जाता है, लेकिन अभी भी काफ़ी गर्मी है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें डीक्लटर कर रही थी, जो मंदिर की जो टेबल है, यहाँ पर काफ़ी सारा स्पेस है, यहाँ पर मेरा जो मंदिर का काफ़ी सारा सामान मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। और कान्हा जी की काफ़ी सारी ड्रेसेस थी जो थोड़ी फट गई थी, फिर उनके गोटे किनारे वगैरह ख़राब हो रहे हैं तो उनको मैंने डीक्लटर कर लिया है। और वैसे भी अभी दिवाली आने वाली है तो धीरे धीरे इन कामों को कर लीजिए, तो आगे जो भी फेस्टिवल्स हैं तो उसमें आपके काम काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो नवरात्रि के लिए सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट आउट कर ली हैं, जो भी पूजा सामग्री मुझे चाहिए होगी तो वो ही रखूँगी, बाकी जो सामान कभी कभी काफ़ी चीज़ें काफ़ी टाइम से रखी रहती हैं तो वो भी ख़राब हो जाती हैं, तो उन सबको भी हटा लिया है। और हमेशा मंदिर की इस टेबल को डेकोरेट करने के लिए इसी तरह के घर में जो कपड़े रखे हैं, चुन्नी या फिर दुपट्टे या फिर कोई साड़ी हो, उससे ही डेकोरेट करती हूँ और उससे ही काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। तो बस सारा क्लीनिंग वगैरह का काम करने के बाद मैंने शावर ले लिया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर मंदिर के बैकड्रॉप में गोल्डन कलर का पेपर था, एक काफ़ी टाइम पहले मैंने लगाया था और ये बिल्कुल ठीक है, इसकी कंडीशन अभी सही है, तो मैंने इसको नहीं हटाया है। लेकिन एक बहुत ही सुंदर सा बैकड्रॉप दिवाली के लिए मैं बनाने वाली हूँ। तो मेरे चैनल पर अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो मेरी वीडियोस अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर करा करें, इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो सारा सामान जो भी पूजा में लगने वाला था वो सब मैंने इकट्ठा कर लिया है, और जो पूजा सामग्री भी चाहिए थी वो सब रख ली है। फ्रेंड्स, यहाँ पर माता रानी की फ़ोटो भी मैंने लगा ली है, उनके ऊपर चुनरी लगा दी है, आसन अच्छे से बिछा दिया है, जो भी चीज़ें नई मैं लेकर आई थी वो सब मैंने यहाँ पर रख दी हैं, और माता रानी को यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ा दी है साथ ही। और सुबह जब मैं वॉक पर जाती हूँ तो काफ़ी सारे फूल वगैरह ले आती हूँ, तो जब मंदिर को फूलों से डेकोरेट करते हैं तो बहुत ही सुंदर सा लुक आता है। और यहाँ पर मैंने कलश में जल भर के और उसके अंदर लौंग वगैरह डाल दी थी और चावल के दाने डाल दिए थे, जब कोई सिक्का वगैरह उसके अंदर डाल दीजिएगा, और जैसा भी आपके यहाँ पर होता है वैसा ही कीजिएगा, सबके यहाँ पर अलग अलग रिवाज होते हैं। और बस उस कलश को आम के पत्तों से लगाने के बाद नारियल उसके ऊपर रख दिया था, उसके ऊपर चुन्नी भी मैंने चढ़ा दी थी। और फ्रेंड्स, जब भी कोई फेस्टिवल आता है इसी तरह से अपने मंदिर की साफ सफाई पूजा वगैरह करती हूँ, उसको डेकोरेट करती हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करी है, फूलों वगैरह से मैंने कोई डेकोरेशन नहीं करी थी, जो भी मेरे पास सामान अवेलेबल होता है मैं उसी से डेकोरेट करती हूँ। और जब तक मेरे पास नया मंदिर नहीं आता है तो इसी टेबल से मैं काम चला रही हूँ। आप लोगों के पास कैसा मंदिर है, छोटा या बड़ा, कॉमेंट करके बताइएगा। और किसी चीज़ के छोटे या बड़े होने से कुछ नहीं होता है, मन की इच्छा से होता है, और माता रानी सबकी सुनती है अगर हम की पूजा श्रद्धा पूर्वक करें तो चीजें मायने नहीं रखती है, हमारी फीलिंग्स मायने रखती है। तो बस यहाँ पर सारा मंदिर मैंने सजा लिया था, और आज एक गड़बड़ हो गई कि मैंने बिटिया से आम के पत्ते मंगाए थे तो नीचे पार्क में काफी सारे आम के पेड़ हैं, और भी पेड़ हैं, तो कुछ एक पेड़ ऐसा था जो जिसके पत्ते आम के पत्तों के जैसे थे, तो वो पत्ते तोड़कर ले आई थी। फिर मैंने भी जल्दीबाजी में थोड़ा सा उनको कलश के ऊपर लगा दिया था, फिर मैंने उनको हटाया, और जब दोबारा बिटिया
से मंगाए, उसको मैंने बताया कि आम का पेड़ वहाँ पर है, वहाँ से तोड़कर लाओ। तो फिर वो आम के पत्ते लेकर आई। उसके बाद दोबारा से मैंने कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाए और एक्चुअली देखने में बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि वो आम के पत्ते हैं या फिर किसी और के पेड़ के पत्ते। वैसे अभी भी मुझे डाउट है, शायद वो आम के ही पत्ते थे। तो पूजा करते वक्त कभी कभी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाले सबकी भूल चूक माफ़ करता है। तो कोई भी काम करिए दिल से करिए, अगर आपको कन्फर्म ना हो तो किसी से पूछ लीजिए, पूछने में किसी से कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। नॉलेज लेने के लिए कभी कभी छोटे भी हमें कोई चीज़ सिखा देते हैं और बड़े तो हमेशा अपने एक्सपीरियंस से हमें सिखाते ही हैं। तो बस यहाँ पर मैंने फिर जोत जला दी थी और आज मतलब शारदीय नवरात्रि है तो फिर जौ भी बोए जाते हैं हमारे यहाँ पर। पूरे 9 दिन तक इन जौ के अंदर जल दिया जाता है, उनको जल से सींचा जाता है और मेरे मंदिर में अच्छी खासी धूप आती है तो अच्छे जौ हो जाते हैं। और ये जो जौ होते हैं, जो घर की लड़कियां होती हैं, जितने भी मेल मेंबर्स होते हैं फैमिली में, जैसे भाई हो गए या फिर जो भी बड़े लोग होते हैं, उनके कान पर रखे जाते हैं और दशहरे वाले दिन। तो बस यहाँ पर मैं ऊपर टेरेस से मिट्टी लेकर आ गई थी, जो छोटे छोटे पत्थर थे मिट्टी के अंदर वो मैंने हटा दिए थे। और ये एक मिट्टी का पॉट है, इसे सकोरा कहते हैं, इसके अंदर मैंने मिट्टी डाल दी है और फिर उसके ऊपर जौ डाले हैं और थोड़ी सी मिट्टी मैंने इसके ऊपर से डाल दी है और थोड़ा सा पानी से इसको सींच दिया है। और कलश पर और नारियल पर जो भी सकोरा है यहाँ पर मैंने रखा है, इसके ऊपर मैंने कलावा बांधा है और स्वास्तिक का बनाया है रोली से। और मेरे इस छोटे से मंदिर में जितनी भी मूर्तियाँ मेरे पास हैं तो उन सबको मैंने कलावा अर्पित किया है। कहते हैं कि जब आप कलावा अर्पित करते हैं भगवान जी को तो वस्त्र रूपी कलावा आप उनको अर्पित कर सकते हैं। तो और जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो प्लीज़ यहाँ पर जज मत कीजिएगा, सब लोग अपने तरीके से पूजा करते हैं। मैं तो बहुत सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ, तो बस यहाँ पर मेरा मंदिर सज गया था और यहाँ मेरी पूजा संपन्न हो गई थी। और आज बेटी की छुट्टी थी तो जब भी मैं नवरात्रि की पूजा करती हूँ तो बच्चों को अपने साथ रखती हूँ, हालांकि बेटे की छुट्टी नहीं थी। तो बेटी कॉलेज में जाने लगी है तो आज उसकी क्लास नहीं थी सुबह सुबह, तो फिर वो बस नवरात्रि के दिन थे और बच्चे भी इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, इससे उनको अपने हमारे जो ट्रेडिशन है उनके बारे में पता चलता है। तो आप उनको भी अपने साथ में इन्वॉल्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स बस मेरी पूजा हो गई थी और ये है शाम का टाइम, तो आज बस दिन में हमने ज़्यादा कुछ खाना वाना बनाया नहीं। बाकी पूजा के बाद हमने दोनों ने चाय ले ली थी और जो नवरात्रि की नमकीन और चिप्स आती हैं वही लिए थे। इस बार मैं कुछ बना नहीं पाई नवरात्रि के लिए, तो छोटा सा ये ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शाम के टाइम पे मैंने बनाई थी सिंघाड़े के आटे की पकौड़ियाँ। तो सिंघाड़े के आटे में बस सेंधा नमक और थोड़ी सी मिर्चें काट कर डाल रही थी और आजकल धनिया तो देखने के लिए भी नहीं मिल रहा है क्योंकि मार्केट में भी इतनी गर्मी होती है ना जब, और या फिर नवरात्रि होती है तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल मार्केट से आउट ही हो जाती हैं और काफ़ी कॉस्टली भी हो जाती हैं। और मैं मार्केट गई थी, मुझे मिला ही नहीं, तो बस सिंघाड़े के आटे की आलू उबाल कर पूड़ियाँ बना ली थी और बनाया था घिया का रायता। हस्बैंड गए हुए थे आउट ऑफ स्टेशन तो हम तीनों ही घर में थे, तो ये वाली सारी जितनी मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी ये हम सबको एनफ हो गई थी। हालांकि मैंने बेटे के लिए रोटियाँ बना दी थी और बस इतनी, ये हमारा डिनर का हो गया था और भोग की भी थाली हमारी बनके तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने माता रानी के लिए भोग की थाली लगा ली है। शाम की पूजा में बेटे और बेटी को दोनों को बिठाया था, भगवान जी की आरती करी, माता रानी की आरती करी और प्रसाद चढ़ाया और बस उसके बाद हमारा डिनर यही था। और मुझे कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहते हैं नवरात्रि का जो हम खाना बनाते हैं उसमें बहुत ही सत होता है। तो और यही था आज का हमारा डिनर। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे जल्दी ही मिलूंगी, बाय।